हाय अनीसा, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? होपली आप सब अच्छे होंगे। आपको बताइए कि अभी मेरी ससुराल जाने की तैयारियां हो चुकी है, तो पैकिंग भी हो गई है क्योंकि कल मुझे निकलना है। आज शाम को दुआ के बाबा आ जाएंगे, तो पैकिंग सारी हो गई है। अभी मुझे मेहंदी लगानी है, तो मैं खुद से ही लगाऊंगी, एक हाथ के तो, और दूसरे हाथ का देखेंगे क्या करते हैं। तो चलो, अभी मौसम भी खराब हो गया, आज तो बारिश आंधी तूफान आ रहा है, तो मेहंदी वहंदी लगाते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ बनने के बाद में कि मेरी मेहंदी कैसी बनी है ना। सो गाइज, एक हाथ के मेरे मेहंदी लगी, फ्रंट में तो ठीक ठाक बनी है, नॉर्मल सी, बैक में अच्छी बन गई। देखो आप, अब एक हाथ का मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। क्या करूँ एक हाथ को? मम्मी कह रहे एक हाथ नहीं का नहीं मिलता। देखो, दोनों हाथ पे मेहंदी बनती ना फुल, तभी अच्छी लगती, एक हाथ पे नहीं अच्छी लगती। तो अब एक हाथ का तो क्या ही करूँ, शाम भी हो गई है, इस टाइम सबको काम रहता है, तो मैं किसी और से तो बनवा भी नहीं सकती। तो अब देखते हैं क्या करते हैं, पूछते हैं किसी से कि कोई बना देगा क्या एक हाथ की मेहंदी। भाई बना दो कोई तो एक हाथ की मेहंदी। फाइनली मैं आ गई हूँ मेहंदी बनवाने के लिए, और एक हाथ को तो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने बना ली थी, दूसरे हाथ पे बिन्नी से बनवा रहे हैं, बिन्नी हमारे बना रहे हैं मेहंदी। तो मतलब इनका देखो कितना फायदा, मुझे सूट चाहिए तो मैं इनके पास आ जाती हूँ, मेहंदी बनवानी हो तो इनके पास आ जाती हूँ, बातें करनी हो तो भी मैं इनके पास आ जाती हूँ। ये बना रहे हैं मेहंदी, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। दोनों हाथों की मेहंदी बन गई है, और बिन्नी को बहुत सारा थैंक यू, इन्होंने मेरे ना एक हाथ भर दिया, वरना ये खाली खाली रहता, अजीब सा ही लगता। तो अब चलते हैं घर पे, और बिन्नी सा आपसे तो पता नहीं कब मिलना होगा, ससुराल जाएंगे। ये तो बैठे ही खुद के ससुराल, हाँ। मुझे जाना है मेरे ससुराल। आओ दोनों, ठीक है, बाय बाय। चलो चलो आप जाओ, मैं तो आ रही हूँ, आप चलो। कौन आया? हैं? नहीं आए इधर, आजा, नहीं आए बाबा, आए तो नहीं, कौन आया? आया ही नहीं बाबा, तो बोल के जाओ, बोल के जाओ, इसमें कहाँ जाना है, बोल के जाओ। जी पड़ी अच्छी लगी, सॉरी अब चला जा, तो कब से तो वेट कर रहा था। अरे कब से वेट कर रहा था, शर्म नहीं आ रही आती है, छोड़ दे। दुर्वाधा यही रह जाएगी नानी के पास, बाबा के साथ रह जाएगी। मामू बाबा, थैंक यू। आए ब्रो, ऊंचा ऊंचा कर कर बोले। बाबा की शर्म आ रही है इसको। आ जाओ अंदर, बोलो बाबा को अंदर चलो। मामू भी तो पहन के आए हैं आज, बाबा को बताओ। कहना ये भाग रही है गेट गन, थोड़ा सा चांदनो दिखते हैं, आ गए मेरे पापा, बार कुछ कर रही लान काम, तो इससे भाग गई सट के नहीं छोड़। देख दुर्वा, मामू के भी छोटी है, बाबा के भी छोटी, दुर्वा के तो छोटी नहीं है।
है नहीं दवा की छुट्टी। मैं आई ही माई 22 या 23 मई को, जून जुलाई अगस्त तो गाइस ये मम्मी और भाई साहब लगे हैं खाने में। भाई साहब चेक कर रहे हैं छाछ कट्टी तो नहीं है। और वो दोनों क्या करते हैं चलो देखते हैं हमको। दुर्वा और दुर्वा के पापा क्या कर रहे हैं ये देखो। ये दुर्वा खाना खाने के लिए तैयार हो गया क्या बेबी? अब हम लोग खाएंगे थोड़ी देर में खाना। और कुछ हेलो हाय तो बोल दो मेरी ऑडियंस को। कुछ हेलो हाय तो बोल दो मेरी ऑडियंस को। 14,000 सब्सक्राइबर्स को। क्या बोल रहे हो? कितने में देखो सब्सक्राइबर्स तो है ही ना 14,000। सो गाइस यहाँ पर हो रही है खतरदारी और हमारा खाना लग गया है। मारो भी साथ ही 3 गिलास सजना एक मारो। ये कहाँ जा रहा है? ये क्या कर रहा है बच्चा? ये क्या कर रहा है? हैं? हैं? क्या कर रहा है ये? क्या खिला रहा है? टमाटर खिला रहे हो? मिर्ची खिला रहे हो? सब मुंह। अब छाछ का देगी भाई साहब। ये तो पूरी खातिरदारी कर रही है खुद के पापा की बाबा की। सही से बोला करो कुछ समझ नहीं आता वैसे लाडीज लाडीज के बोलते हो। मैं पिलाऊं? पहले खड़े हो जाओ फिर बाबा से ले लेना। पहले आप खड़े हो जाओ। ये पिला दिया ख्वाब फिर होकर पूछा जा रही है। मिर्च थोड़ी खिलाते हैं। अरे मिर्ची खिला रही बाबा को मुंह जल जाएगा। हाथ और साफ करिए फिर ओके बस करो इतना ही बस। अब आप भी खाओ हमारे साथ चलो स्टार्ट करते हैं। अचार खुआ रही है। हे भगवान एक न्यार हनो लेते हैं साग गए। ये खिला दे। ओके ओके डन बस। गाइस आज है मेरा लास्ट डे इन पीहर। लास्ट डे तो नहीं, लास्ट डे मतलब कल जाना है। कल है लास्ट है तो नाइट नाइट तो लास्ट है ना। कल रात को तो मैं वहां रहूंगी ससुराल में। ट्रिप को लास्ट है। हाँ ये ट्रिप को लास्ट है बाकी तो आता रहे लेकिन वैसा थे सास ने जा बुक कैन किया चल गया। नौकरी तो कई मतलब बड़े बड़े खाड़ मिले थे थान से जो काम करना ड्यूटी मतलब था कि जो लगाई दी है। आज आज आराम से बातें करेंगे और बाकी तो देखो आगे पता है बहुत सारे लोग ये बोल रहे हो कि ना जीजा ससुराल जाने के बाद में आप ब्लॉग प्लीज डेली डालना क्योंकि उनको भी पता है कि मैं ना वहाँ जाने के बाद डेली ब्लॉग शायद नहीं डाल पाऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं है इस बार मैंने मेरा मतलब यूट्यूब चैनल पे जब से मैं कंटिन्यू रही हूँ मैंने ये चीज़ मैं आप लोगों से इतना ज़्यादा जुड़ गई हूँ कि शायद ही मैं आपको ये दिन मिस करना चाहूँगी। बाकी तो देखो आपको पता है कि मेरा जो ससुराल का घर कितना बड़ा है और सब मेंबर हम रहते हैं तो थोड़ा सा काम होता है इस वजह से मुझे थोड़ा कम टाइम मिल पाता है। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके लिए डेली व्लॉग लाऊं क्योंकि अब आपसे थोड़ी सी ज़्यादा कनेक्ट हो गई हूँ ना इसलिए मैं मिस नहीं करना चाहूँगी। बाकी देखते हैं आगे क्या रहता है कैसा रहता है।
जो भी रहेगा ससुराल के ब्लॉग्स भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। यहाँ थोड़ी उछल कूद मस्तियाँ चलती रहती है, जैसे मान लो जब भी मन गया गेम राउंड करके शूट कर लिया, बट वहाँ ऐसा नहीं होता है। वहाँ मुझे मैं अनकम्फर्टेबल फील करती हूँ खुद को जब भी ब्लॉगिंग करती हूँ, इसीलिए वहाँ पे ना आपको सिर्फ मेरा फेस दिखता है, बाकी लोग इतना नहीं दिखते हैं। और ये देखो मम्मी क्या कर रहे हैं, और मम्मी को 1% भी वो नहीं है कि भाई हमारी बेटी काल चली जा सी करने तो बने, पर मन भी तो बंद दिख रहा है तो भाई हाँ कार चली चली जाए काम चलते तो काम तो चलते पर सब चीज तो माइंड में दिल में रह रहा है ना, तो काम में थोड़ी दिल में रही तो कहीं है बताओ नहीं तो बताओ तो खाई है पड़ा है बताओ मम्मी दूरवा तो दूरवा के लिए है तुम्हारे लिए देख रहे हो गाइस ज्यादा दिन गई ना तो भी इतना बिजी आ गए, मतलब साइड तक सकल ही होते क्या हाल हमारी ना जिदा माहौल में रोड़ो चाहिए बड़े सब चुपचाप ले रहे तो जाना भी बड़ा मन बना देता है तो बड़े अच्छा मम्मी ने रोड़ा करने जरा खारा लगे मैं बढ़ गया बाद में ना बड़े मम्मी ने बढ़ गया बाद में मम्मी याद है ना करते हैं ना मम्मी यही करे साल तो जना ही थावड़े तो रोड़ो बेदरे अब बार मान लो थे एकदम शांत रहे हो कि बोले तो हम काम कर लो रोड़ा जना बस बैठा मेरे टाइम का ही फर्क है हो गए। लेकिन हम सब मतलब एक साथ ही सोते हैं, छत पे सोए तो भी नीचे रूम में सोए तो भी, तो यहाँ का ये चीज मतलब मुझे बहुत वो लगता है। मेरे ससुराल में बहुत चीजें चेंज है, सभी के मतलब पीहर ससुराल सेम नहीं होते, अलग अलग ही होते हैं, और पीहर चाहे कैसा भी अच्छा ही लगता है ना। चीज तो वही है। अब जब भाई साहब ना मैं कह रही हूँ तन बड़े जॉब में कहीं दिक्कत है, लेकिन फिर भी भाई साहब को भी दो मिनट करता